अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद क्वाड्रेटिक्स। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं। देखते हैं जी, पहले हर्मिशियन मैट्रिक्स। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे और इसका ऑर्डर है एम बाय एन विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज जो है वो इक्वल हो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के साथ होगा उसका जब कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया जाएगा अगर तो उसका आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए तो वो हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन ये है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ए आई जे एम बाय एन विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन इफ कॉन्जुगेट ऑफ ए का जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे उसका आंसर अगर हमारा नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आए तो वो हमारा जो होगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। इन दोनों डेफिनेशन से हमें ये वाजे हुआ है कि अगर एक मैट्रिक्स जिसकी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो और हम उन कॉम्प्लेक्स एंट्रीज का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें तो उसका जो मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज लेने पे अगर हमारा आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा तो वो हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। अब एक एक एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। यहां पे लेट सपोज ए मेरे पास है 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा और 1, इसकी चार एंट्रीज है। अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो 2 बाय 2 है, इट मींस स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम आगे देखते हैं कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेना है। पहले हमें ए कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। ए कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, 1 एज इट इज आ जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये 1 माइनस एयोटा हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा तो ये 1 प्लस एयोटा हो जाएगा, 1 एज इट इज आ जाएगा। अब ए कॉन्जुगेट का जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो वो किसके इक्वल आता है देखते हैं। इसका ट्रांसपोज लेते हैं जी, मैंने इसके इस कॉलम को इस रो में चेंज कर देता हूं, यहां 1, ये इधर ही आ गया 1 एंट्री, ये 2 1 एंट्री है, ये 1 2 एंट्री बन जाएगा, 1 प्लस एयोटा। ये सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट जो है ये इसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा और सेकंड कॉलम की सेकंड एंट्री सेकंड रो की सेकंड एंट्री बन जाएगी। और अगर मैं इसको देखूं अब आंसर को, ये ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है ये मेरे पास आ रहा है, यहां पे 1 एलिमेंट, ये इसका 1th एलिमेंट के इक्वल है, ये 1 प्लस एयोटा है, यहां पे भी 1 प्लस एयोटा है, यहां पे 1 माइनस एयोटा है, यहां पे भी 1 माइनस एयोटा है, यहां 1 है इधर भी 1 है, इसका मतलब ये आ गया हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल। अब जब ये ए के इक्वल आ गया है इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स हमारा ए कहलाता है यहां ये हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम देखते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसमें मेरे पास एक एग्जाम्पल है 0 प्लस, इसमें मेरे पास एक एग्जाम्पल है 0 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा और 0। अगर मैं यहां पे इसका ए का कॉन्जुगेट लेता हूं, ए का कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल आएगा, 0 एज इट इज आ जाएंगे दोनों, इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया जी। अब अगर मैं इसका लूं ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये मेरे पास आ जाएगा ये 0 माइनस 2 और माइनस 3 आयोटा, इधर आ गई मेरे पास वैल्यू माइनस 2 एंड माइनस 3 आयोटा। ये एलिमेंट जो है ये फर्स्ट कॉलम जो है मेरा फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम मेरा सेकंड रो बन जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा ये वाला एलिमेंट इधर आ गया, ये 0 एज इट इज इधर आ गया। अब अगर मैं इन तमाम एलिमेंट्स में माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, 0 एज इट इज आ जाएंगे, इसका 2 का माइनस बाहर आ गया, ये जो है यहां पे प्लस माइनस
मिलके बनाते हैं माइनस। अब अगर मैं इसमें से माइनस जो है वो बाहर कॉमन ले जाऊं, पीछे बन जाएगा प्लस, यहां पे प्लस आ जाएगा, 2 + 3 iota। अब ये एंट्री को देखें, 2 - 3 iota है। अगर मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा -2 - -+3 iota। ये वाली चीज बन जाएगी क्योंकि ये माइनस जो है ये इधर आ गया और बाकी टर्म मेरी बन गई -2 + 3। अब अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास आ रहा है जी ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ए की एंट्रीज देखूं तो ए में पहला एलिमेंट 0 है, इधर भी 0 है, इधर 2 + 3 iota, इधर 2 + 3 iota, -2 + 3 iota, -2 + 3 iota, 0 and 0। इसका मतलब ये आ गया नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल। तो जब हमारा आंसर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज वाले मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेने पे नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो वो हमारा मैट्रिक्स जो होता है स्क्यू हार्मिशियन या एंटी हार्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। जी तो मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स एंट्रीज वाला मैट्रिक्स होता है उसका जब हम कॉन्जुगेट लें और कॉन्जुगेट लेने पे हम उस कॉन्जुगेट वाले मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो अगर उसका आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाता है तो वो हमारा मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। अगर हमारा आंसर नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो वो हमारा स्क्यू या एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।